अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन लाइक और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर बीज। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। ये है डायहत्सु कूपन, हार्ड टॉप कन्वर्टेबल गाड़ी है, 660 सीसी कैटेगरी की। सबसे मज़ेदार गाड़ी ये है कि सस्का भी, मज़ा भी, ड्राइव भी, और मतलब हर लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्राइस भी इसकी बड़ी रीज़नेबल है। तो इसकी कम्प्लीट स्पेक्स और डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे भाई जैन भाई, और ये खुद भी बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, और इनकी ही ये गाड़ी है जिसका आज हम रिव्यू लेकर आए हैं। तो इसकी कंप्लीट स्पेक्स जो डिटेल्स हम इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें कौन सा कीड़ा था कि इनको नहीं गाड़ी पसंद आई है। मोहसिन भाई, कीड़े की बात नहीं थी, आपको पता है कि यार होता है हर बंदे को कि कम प्राइस में कुछ ऐसी चीज जो लोग देखें भी, खुद भी हम एंटरटेन करें एक दूसरे को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर आपको पता है 2012-13 से ऑलमोस्ट आप भी बाइकर हैं, माशाल्लाह, आप छुपाने वाली बात तो नहीं है आज तक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने बताया नहीं अपने व्यूवर्स को। तो भाई मोहसिन भी बहुत माशाल्लाह बड़े बाइकर हैं, और हम भी इनके साथ घूमते रहे हैं बाइकिंग पे और करते रहे। बाइकिंग का शौक हमें 2011-12 से था, लेकिन वो एक एज और एक टाइम वाइज स्पोर्ट्स और चॉपर के बाद अब कार भी लेनी चाहिए इस तरह की जिसमें स्पोर्ट्स का मजा भी आता और बाइक का मजा भी आता, तो फिर ये सिलेक्शन इस तरह हुई है। हाँ। अच्छा जैन भाई, ये बताएं कि 660 सीसी कैटेगरी की ये गाड़ी है, ठीक है। इस कैटेगरी में और भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे मीरा है, खास है जो मेरे पास है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, पाकिस्तानी भी ऑल्टो आती है। बिल्कुल ऐसे आपने इसकी सिलेक्शन क्यों? मोहसिन भाई, पहली बात तो ये कि 660 टर्बो है, पहला फर्क तो यही निकल जाता है। फिर ये कन्वर्टेबल है जिसका अगला शिष्का है, और अगर मैं आपको ना बताऊं कि कन्वर्टेबल है तो आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें। ये मुझे लगता है जिसकी एक सॉफ्ट टॉप नहीं है, हार्ड टॉप है। और अगली बात फिर ये है कि 660 सीसी कैटेगरी में लुक्स मुझे इतनी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैंने अभी मीरा वो देखी, मीरा भी आपने बताई है। अब ये कास्ट की बात कर रहे हैं, 660 ऑल्टो की बात कर रहे हैं, की लुक की बात ना कर रहे हैं, वो बड़ी लुक है। क्या बोला? बहुत लुक है, क्योंकि जाती इस्तेमाल में कास्ट की बड़ी लुक है भाई। नहीं, लेकिन ये जरा और चीज है, ये जरा स्पोर्टी लुक में आ जाती है, तो इस वजह से इसको सिलेक्शन करने का ये मूड बना। बिल्कुल, यानी कि ये 660 सीसी टर्बो के अंदर इंजन है इसका। बिल्कुल, और जो है इसकी जो ट्रांसमिशन वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है। व्यूअर्स, बाकी आप जो है इसकी बॉडी देखें, बाकी तो आपको जो है फ्रंट पे यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से दोनों जो हमें नीचे DRL लगाए हुए हैं आपने। जी, नीचे DRL लगे हुए हैं, और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन लैंप्स मिल जाते हैं दो, और एक में हेलोजन HIDs तो लगाई होंगी ऑफकोर्स, चारों HIDs जबरदस्त। और 14 इंचेस के रिम है जी, वो भी मैंने अभी अभी डलवाई है, टायर और रिम दोनों ने लेती, तो फिर जरा। और इसमें यानी कि ये स्टॉक ही है जैसे कि? हाँ जी, ये टोटल स्टॉक है अभी। अच्छा। आउटलुक में तो बिल्कुल नहीं चढ़ा गया, लेकिन रूम से थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, चलें वो भी देखते हैं। और दूसरा जो है इसका मॉडल जो है वो हमने नहीं बताया, मेक वेरिएंट तो हो गया डायहत्सु की, कूपन है 660 सीसी टर्बो में। इसका मॉडल क्या है गाड़ी का? मोहसिन भाई, ये है बेसिकली 2012 का मॉडल है, और जो है 2019 की जिसकी प्लेट है, और मतलब इस हिसाब से आप देख लें। लेकिन ये कि गार्ड जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी ना, ये उसने भी बड़े प्यार से रखी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बड़े प्यार से रखी हुई है, तो बस आपकी दुआएं हैं। सही है, सही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 2006-07 से ऑलमोस्ट यही शेप है, लेकिन इसमें चेंज है थोड़ा सा, बेसिकली उसमें ना थोड़ी सी लाइट्स और हैं, और थोड़ा सा 12 में आके चेंज है, फिर आगे 16-17 में फिर दोबारा से। बिल्कुल ऐसी है। इसकी जो है प्राइस जो है वो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस आप एग्जैक्ट ना बताएं। नहीं भाई, मैं एग्जैक्ट भी बता दूं, आप बता दें कि ये ताकि वेरी की प्राइस आइडिया कह सकते हैं कि आप राउंड अबाउट 30+ ही है। 30+, हाँ ये आप कह सकते हैं। चले तो व्यूअर्स, आइए इसकी जो है अभी हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने जो है मॉडिफिकेशन की हैं, या क्या क्या चीजें हैं और क्या ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसकी राइड पर निकलेंगे और आपको इसकी राइड भी चेक करवाएंगे। तो इस वीडियो को नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो
इसके इंटीरियर की तरफ अब हम आ गए हैं, तो आपको इसके इंटीरियर में बताते हैं। बेसिक इसमें जो है मेन चीज आपको मैं बता दूं कि सेंटर में इसके सारे कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी है, कन्वर्टेबल गाड़ी है, तो विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो मिड के अंदर हमें हैंड ब्रेक के साथ मिल जाते हैं, और यहाँ पर दो हमें हीटेड सीट्स मिल जाती हैं गाड़ी के अंदर, और जो रूफ का ओपन और क्लोज का सेटअप है वो भी बटन हमें इधर सेंटर में मिल जाता है। आम सादा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है, एनालॉग मीटर है इसमें, ऑटोमेटिक है, और बाकी इसमें जो है कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं वो हम जैन भाई से पूछते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर, वो ज़रा हमें बताइए कि क्या क्या इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इसमें लगा हुआ है, ब्रांड है पॉक। ये बहुत ही जैसे फोकल पॉक और ये इलेक्स जैसे अच्छे ब्रांड है ना, उसी क्वालिटी में, क्योंकि इतनी कम जगह में हाई क्वालिटी साउंड देना, ये हमारे एक बेस्ट दोस्त हैं, वो करते हैं जैन भाई, हम नाम हमारे जैन भाई हैं, तो वो इस तरह का काम करते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी का काम उन्होंने, स्पीकर सारा इंफोटेनमेंट सारा उन्होंने लगाया हुआ है, और हाँ स्क्रीन मैंने जो है वो एंड्रॉयड लगवाई हुई है, और उसके अलावा आफ्टर मार्केट ये इसमें लगे हुए हैं जो मीटर्स हैं, क्योंकि ये आपकी बैटरी और एयरफ्यूल वगैरह ये बता देते हैं। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर जो है वो आपको बटन्स नहीं मिलते हैं इन उसके मीडिया के, तो फिर हमने ये जो है ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करके ये मैनुअल मीडिया जो है ये बड़ा प्यारा है, मल्टीमीडिया आपने सेपरेट नहीं लगा दिया। हाँ जी, और ये इसमें आपको सारे बटन मिल जाते हैं वही वाले जो आपको स्टेयरिंग पे मिलते हैं। फिर इसमें पुश स्टार्ट का एक ऑप्शन हमने पंगा लिया था ये वाला। हाँ। ये चीज ऐसी है कि जरा लुक्स भी पूरी करती है और ये पावर को कट ऑफ भी कर देती है। अच्छा, गाड़ी को बंद करना हो चलाना हो तो सिर्फ पावर लेती है, लेकिन स्टार्ट में मैनुअली देना पड़ता है। लेकिन ये इसके डैशबोर्ड की लुक्स एनहांस करने के लिए हमने पे ये पंगा लिया था। लुक दे दिया। और स्टीयरिंग जो है वो मैं देख रहा हूँ, ये जी ये मोमो ब्रांड है जो स्पोर्ट्स कार्स में आता है। ये गियर नॉब भी मोमो की लगी हुई है और ये स्टीयरिंग भी मोमो का लगा हुआ है। ये मतलब एक इनका स्पोर्ट्स कार्स में एक जो है ना इसका बड़ा नाम चलता है मोमो का। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है हमने इसमें हिडन जो है वो एलईडीज होती है जरा लुक्स को बेहतर करने के लिए रूम में इंटीरियर में लगाई है और गाड़ी के बाहर भी लगाई हुई है, तो अच्छी चलती है। फिर अभी यही है व्यूअर्स को लेकर चलते हैं। आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं, इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। वो टर्बो वाली सीज भी है भाई इसके अंदर, वो बल्ब लगा हुआ है आई थिंक SSQV, तो बड़ा मजे का साउंड आ रहा है। एक बार फिर भाई चले आए, अब चलते हैं राइड पे, लेट्स गो। तो अब हम इसकी राइड पे चल रहे हैं, तो राइड पे इसकी मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं। Talking on.
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो बड़ा मजा आया गाड़ी की राइड का। आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जैन भाई का यूट्यूब का चैनल है, उसका इनसे पूछते हैं वो बताएं। मेरा चैनल है जी जैन व्लॉगकास्ट, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा मोहसिन भाई का जो है वो मेरे चैनल पर लिंक आ जाएगा, और इसी के साथ मोहब्बत इस तरह चलती रहेगी। जी जी, आप का थैंक यू। और मोटो बीस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा लाजमी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है वेरी सून। तब तक के लिए इजाजत दें हम दोनों को, अल्लाह हाफिज़।